पता है आदमी लोगों की एक आदत होती है, आप लोगों के घर में भी जो लेडी देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, एक सामान चाहिए था इन्हें और सारे बाहर निकाल, देखो पूरे अलमारी से इतना काम बड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं लगभग। आज मैंने सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। बहन जी मेरे ड्यूटी के लिए चले गए हैं, मैंने अब मैं काम की शुरुआत भी कर दी हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। चलो पहले शुरू आज का मौसम। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप आई हुई है, ये देखिए ऐसा है, काफ़ी सुंदर मौसम हो रहा है सुबह सुबह। चलो सूर्य दर्शन भी करवा देते हैं। ये देखिए इसमें, और मैं एक्चुअली दो चेयर के नीचे सोया पड़ा है, ऐसा ही कुछ है। और मैंने इनके जूते, देखो दिख रहे हैं आपको, इनके जूते मैंने सुखाने के लिए डाल दिए वहाँ पर। अब ऐसे ही कुछ है, अंदर चलते हैं। पूरे मैट वैट उठा के यहाँ रख दिए, अब झाड़ू मारने की तैयारी कर रही हूँ। सिर्फ नाश्ता बना लिया था सुबह में, इस उधर रोटी बना रही हैं, इसमें है आलू और गोभी की सब्जी। चलो दिन की शुरुआत हो गई है तो हम भी अपना काम शुरू करते हैं। देखो मैं झाड़ू मार रही हूँ, इसके बाद मुझे पोछा मारना है। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, थोड़ा बहुत ऐसे देख लेना। एक बाल्टी कपड़े भिगा के रखे हैं, इनको धोना है, आप लोग भी देख। मैंने चश्मा पहन रखा है, चश्मा पहनने का एक रीजन है मेरे आँखों में दर्द होता था और मैंने चश्मा बनवाया था लेकिन मैं कभी पहनती नहीं थी, और आज फिर दोबारा से मेरी आँखों में दर्द हो रहा था। मतलब इस वाली आँख में होता है, राइट वाली में, इसलिए मैंने ये बनवाया था लेकिन कभी यूज ही नहीं किया। एक आध बार किया था, फिर ठीक हो गया तो फिर किया ही नहीं, ऐसा ही होता है ना, ठीक हो गया तो फिर नहीं करना है, इसलिए दर्द दोबारा हो रहा तो मैंने फिर आज दोबारा यूज कर लिया। और सुबह का मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अब मैं आपको शाम का मौसम दिखाती हूँ। ऐसा मौसम हो रहा है अभी का। मैंने अब खाने पीने की तैयारी करेंगे, टाइम से खाना बनाएंगे और क्या करें। थैंक यू जी। चलो आज मैं सब्जी बना रही हूँ, पत्ता गोभी। ये खाना बनाते बनाते आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे और हमारा भी अच्छा टाइम निकल जाएगा और आपका भी टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं? कर दिया पूरे गार्डन में, ये देखो जो मैंने परसों पेड़ लगाए थे ना वो, ये देखो एक दो तीन पेड़ लगे हैं बस, इतने सारे पेड़ों में हैं और सारे जल गए। ये मैक्स को भी लेके आई हूँ, मैक्स ये है, ये देखो इतना सारा पुदीना हो रखा है, ये पूरा पुदीना हो रखा है इतना सारा। ये देखो भाई इतना सारा, ये बैगन के छोटे छोटे पेड़ हैं, लो इनमें भी फूल आ रहे हैं, ये देखो। मैक्स आके अपनी चेयर में बैठ गया, ये देखें, ये मैक्स हुआ है, सूर्य छुपने वाला है, ये देखो इतना सारा है यार छोटा सा। वो दीदी भी खड़ी है उधर अपनी बालकनी में, वहाँ से घूम। अब इसको ऐसे काट लेंगे इसके डंठल को, फिर इसको ऐसे ही काट सकते हैं, देखो धीरे धीरे करके। अगर आप लोग आलू डालना चाहते हैं इसमें मिक्सिंग के लिए, आलू भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने, ये देखिए मैंने ले रखे हैं दो आलू, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हम दो। देखिए गाइस ये मैंने आलू और गोभी कट करके रेडी कर दिए हैं, और ये थोड़ा सा प्याज काट रखी है, और ये मैंने 1 से 2 चम्मच
तेल डाला हुआ है कढ़ाई में। अब आगे आपको दिखाते हैं, तेल जैसे ही गर्म होगा वैसे हमें थोड़ा सा एक चम्मच जीरा डाल, पहले हमने जीरा डाला, जीरा डालने के बाद हमने डाल दी है प्याज। अब दोनों को अच्छे से, अभी नमक डाल देंगे, फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट, फिर ये पक जाएगा। देखिए गाइस, सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। इसमें मैंने मिर्च डाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला अगर डालना चाहो तो। देखो काफ़ी यम्मी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है मेरी। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, जहाँ भी हो अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहिए, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तब तक के लिए बाय।